इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 8, जिसमें हम पढ़ेंगे जाति के अंदर राजनीति। राजनीति तो ठीक था, राजनीति जो था जाति पर चलता था, ठीक था, लेकिन अब जाति के अंदर राजनीति कैसे होता है ये जानो। अब अभी तक हमने इस चीज पर गौर किया है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, चुनाव में चाहे राजनीति हो जाए उसमें जाति की भूमिका क्या होती है। पर अब हम ये पढ़ेंगे कि जाति के अंदर राजनीति कैसे होती है। पर इसका यह मतलब नहीं होता कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता हो। अरे भैया, कहीं भी रोड बनता है तो ये तो भले पतले रोड बने लेकिन गाड़ी तो दोनों रोड से आती है। भले पतले हो लेकिन वन में थोड़े होता है, टू वे होता है, कहीं से ना कहीं से वो ढुक ही जाता है। आप जो समझ रहे हो वो भी सही बात है। आगे, राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था, यहां पर देखो, राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। अब देखो, राजनीति में जाति को कहे लाया जाता है क्योंकि उसके वजह से समुदाय बनता है, उसके वजह से समाज बनता है, इसलिए। और फिर से राजनीति के अखाड़ा में जाति को लाकर एक तरीके से साबित कर दिया जाता है। हम इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, केवल राजनीति को देखे तो यही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीति ग्रस्त हो जाती है। देखो यहां पर है, राजनीति भी जाति ग्रस्त होती है और जाति भी राजनीति ग्रस्त होती है। यह चीज अनेक रूप ले लेती है, अलग अलग रूप धारण करती है। सबसे पहले ये देखो, द वोट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का वोट बैंक क्या क्या दिख रहा है? राजपूत, यादव, लोहार, कोयरी, एसटीएससी, अहीर, हाँ, यादव और अहिर दोनों अलग अलग नहीं होता, एक ही में होता है, केवल उसमें नंबरिंग बटा हुआ रहता है। तेली, गुज्जर और भी इधर कुछ है, नाम इसका नहीं समझ, नाम नहीं दिख रहा। देखो उधर लास्ट में मुसलमान है, मुसलमान लोग तो बॉडी से झांक रहा है, और इधर एसटीएससी लोग अंदर से बॉडी झांक रहा है, और बाकी लोग क्या कर रहा है, सब लोग बंद है। मतलब इन लोगों का जो जो बॉक्स बंद है, ये लोगों का वोट बैंक क्या है, सिक्योर है कि एक जगह मिलेगा। लेकिन मुस्लिम और एसटीएससी का वोट एक जगह मिल जाए ये नामुमकिन हो जाता है, इसीलिए लोग हाथ पैर सब जोर डालते हैं। बहुत विधायक, मुखिया, वार्ड कमिश्नर सबको देख लोगे तो जाकर भले इलेक्शन के समय में हाथ जोड़ लेगा, लेकिन जब आप उसके द्वार पर जाइएगा ना तो वो जो हाथ जोड़ा रहता है वही हाथ आपको कूटने के लिए भी उठा सकता है। तो क्या आपको यह बात ठीक लगती है कि राजनेता किसी जाति के लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं? जरूर देखते हैं। हर जाति, हर समुदाय को समझते हैं कि यह हमारा वोट बैंक है। हमारे गांव में आज से करीबन 10 साल पहले, जब उस समय मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट तो उतना थी नहीं, तो हमारे गांव में करीबन सारा लोग, हमारे गांव में 90% से ऊपर लोग केवल ललटेन का सपोर्टर था, राजद का सपोर्टर था, और किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ करता था कि दूसरे पार्टी को वोट दे दे। लेकिन फिर जमाना बदला, देखो अच्छा काम किए थे इसलिए सब वोट देते थे, बाद में और अच्छा काम कर दिए, गांव में बिजली नहीं था बिजली ला दिए, लेकिन फिर भी लोग पलट गए। क्यों? लालच थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। आज हमारे भी गांव में अलग अलग प्रकार के वोट देने वाले लोग हैं। ये देख लो, यहाँ पर एक जो रंगभेद का यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, कैसे, यू हु हैव मेड द मिस्टेक, क्या गलतियां हुई है। देखो, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, ये जो मुल्क में पैदा हुआ है उसका, चलिए आगे जानते हैं। चले जाते हैं जो विदेश बोलते हैं पराई भाषा पहनता है, पराई भाषा जानता है, अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं, अजनबी पोशाक पहनते हैं और भूल जाते हैं इस मुल्क को।
मैं बताता हूँ, ये जो मुल्क से बाहर जो जाते हैं कमाकर कहाँ भेजते हैं, इसी मुल्क में भेजते हैं। पोशाक पहनते हैं तो उनका परिवार वाला तो होगा घर में, तो उनको कैसे भूल जाए। इन्हें मेरा सलाम, इन्हें मेरा सलाम। अब जो नहीं भूलते हैं, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते हैं, और जो नहीं भूलते हैं, सदियों तक पीटते रह जाओगे फिर भी ये लोग नहीं बदलेंगे। ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूं, क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे, किसी ने भी पूछा तुमसे, क्या होता है छुआछूत? आपसे कोई पूछ दे कि छुआछूत क्या होता है, जवाब क्या दोगे? आप यही छुआछूत बोल सकते हो ना, जो बड़े जाति वाले छोटे जाति को बोलते थे कि भैया ये अछूत है, बस विचार है, सोच है, ये सब छुआछूत है भैया। क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? क्या ईश्वर की तरह ये अविनाश, इसका अंत नहीं हो सकता? छुआछूत का अंत पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अंतर जातीय विवाह हो रहा है, इसके वजह से शायद हो जाए। कैसा होता है अछूत? आप जानते हो कैसा होता है अछूत? किसकी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोढ़ की तस्वीर है, मतलब उसके शरीर से मांस चूता है गल गल कर, या फिर धर्माधीशों का दुश्मन है, जो धर्म बनाते हैं बेवकूफ लोग, उनका दुश्मन है वो? देखो भैया, धर्म बनाते हैं वो लोग, जो धर्म पहले बनाकर गए वो समझदार हुआ करते थे, जो अभी के समय में धर्म बनाता है वो समझदार नहीं, वो महा समझदार हुआ करता है सब आज के समय में। देखो भैया, आज सब चीज बन सकता है, लेकिन एक विचार नहीं बन सकता है, लोग एक विचार पर नहीं चल सकते हैं। अब कोई भी संगठन देख लो, उसमें भले लोग कुछ सालों तक ले उसके समर्थन में चले, लेकिन बाद में अपना ही चलाएंगे। क्या वह विधर्मी होते हैं, अधर्मी होते हैं? क्या पापी या फिर नास्तिक होते हैं? बताओ मुझे क्या होते हैं, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे कि मैं ही अछूत हूं? कह सकते हो क्या कभी? हम तो डायरेक्ट बोलते थे, मेरे साथ में रहने वाले जो भी है उनको डायरेक्ट बोलते थे, जो तुम हो उसको पहचानो, कभी भी उससे हारो मत। इसी से मैं कहता हूं, यहां पर भी लिखा है, इसी से मैं कहता हूं, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी। जिसको भी छुआछूत, जिसको भी लोग तिरछी आंखों से देखें, तुमको अपनी गलती सुधारनी होगी। या तो देश छोड़ो या युद्ध करो, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। बाबूराव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद, बाबूराव बागुल का कविता जो है उसका हिंदी अनुवाद यहां पर बताया गया है। चलिए आगे जानते हैं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बनाकर, चाहे उसको बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करती है। हिंदुओं की बात कर लेता हूँ, मुसलमानों की बात कर लेता हूँ, तो हिंदुओं में जो भी लोग छोटे, जिसको अछूत लोग बोला करते थे, आज उसको भी लोग साथ लेकर चल रहे हैं। क्यों? पार्टी बनाने के लिए। क्यों? अपने समुदाय को बड़ा करने के लिए। क्यों? अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं आप। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती है, एक जाति अपने दम पर सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं तय करा सकती है, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों, ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए, ज्यादा जीतने के लिए दूसरी पार्टियों, दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलताल होता रहता है। अब जैसे ही आप दूसरे समुदाय से आप जुड़ने जाओगे ना, तो सबसे पहले वहां के लोग बोलेंगे, हमको ये चाहिए तो हम भैया वोट देंगे, हमको आज तक इतना सब नहीं मिला, हम नहीं देंगे, हम दूसरे को दे देंगे। तो अगर वो चाहती है कि आपको वोट लेना है आपसे, तो आपको तुरंत का तुरंत सब चीज दे देगी। जैसे मेरे गांव में वोट के लिए आए, और इसके वजह से मेरे बड़े पापा बोले कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, 1 महीना के अंदर गांव में लाइट वगैरह सब बिछ गया। कैसे बिछ गया? लेकिन मैं ये बता दूं, एहसान नहीं रखते हम लोग किसी का। सरकार ने पोल दिया,
लेकिन पुल ढोने का पैसा लिया। हमारे गांव से घर हर घर से पैसा लिया गया था कि पुल जाएगा यहाँ से। आज उसी पुल पर कोई बिजली का कर्मचारी चढ़ता है तो बोलेगा हम चढ़े हैं तो हमको चढ़ाई चाहिए। कौन बात के चाहिए भाई, तुमको सरकार पैसा दे रही है, तुम्हारा ठेकेदार पैसा दे रहा है, चढ़ो जाके जोड़ो। लेकिन नहीं, ये लोग तो मन बहका देते हैं ना हर लोग। जिस तरह आज जो भी पुलिस अफसर बन रहा है नया नया पे, एकदम कैमरा उमरा साथ लेकर चल रहा है, लग रहा है कि हीरो है। हीरो कौन सी भाई, सिविल सर्वेंट है तुम तो, नौकर है सरकार का। सरकार का नहीं, जनता का नौकर है, लोगों का सर्वेंट है तू। और तू एकदम कैमरा लेके हीरो हीरोइन बन रहा है यहाँ पे। राजनीति में नए किस्म के जातिगत गोलबंद भी हुई है, जैसे अग्रा और पिछड़ा। यहाँ पर देखिए, राजनीति में अलग अलग किस्म के जातिगत गोलबंद मतलब संगठन बना है। अग्रा जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं और जो लोग पिछड़े होते हैं, इन सबको मिलाकर ये लोग राजनीतिक पार्टी आगे चलती है। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यह चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है, दुनिया भर में चलता है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि अलग अलग सामाजिक समूह और समुदाय एक स्थान पर आवे और हमको वोट देवे, हमको जितावे। कुछ खास स्थिति में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि विभिन्नताएं और असमानताएं की वजह से बहुत लोगों को जिस सुविधा से वंचित रहता है सब, जो सुविधा नहीं मिलता है, जैसे वे सत्ता में भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी, इसलिए लोग मांग करते हैं कि हमको भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और ये गुंजाइश पैदा हो जाती है मन में उसके कि अब हम भी सत्ता में जा सकते हैं, हम भी सांसद बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं, हम भी मुखिया बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने का निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पर भी पैदा की है। और इसी के वजह से पिछड़ा और दलित लोग भी सत्ता में जाकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके हैं और सत्ता तक पहुंच नामुमकिन जो था उसको मुमकिन कर दिखाया है। अपने पार्टियों और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सामान्य जनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। और ज्यादातर पार्टियां क्या होती है, ऐसे गैर राजनीतिक संगठन को जोड़ती है और सरकार के खिलाफ बोलती है, इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, इसे समाप्त करो, ये लोग सम्मानजनक व्यवहार इनके साथ नहीं हुआ है अब तो। लेकिन जब खुद पार्टी में थे तो फूटी कौड़ी भी, फूटे आंखों भी नहीं देखते थे। जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, अवसर उपलब्ध कराने के लिए सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम वो पा सकते हैं खुद से और लोग चाहते हैं कि नहीं, रोक कर रखो, इनके मदद से हम लेंगे उसको। इसके वजह से वो लोग साथ में लेकर चलना चाहते हैं और थोड़ा सा बिस्किट चाय खिला दो तो भैया यहाँ कर तो बढ़िया से बढ़िया लोग हाँ जी करेगा। मैं चाय वगैरह नहीं पीता, कभी कभी पी लेता हूँ, यार ठंडी लगती है कभी कभी तो पीना पड़ता है। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। अगर जाति से लेकर चले तो नुकसान हो जाएगा अपने आप को। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। केवल जातीय पहचान पे हम अपने राजनीतिक को आधार बनाए, राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाए, तो ये अच्छा नहीं होगा अपने लिए। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे से लोगों का ध्यान भी भटक सकता है। अगर ऐसा चलेगा ना तो लोग गरीबी से अपना दिमाग भटका लेंगे, विचार भटका लेंगे,
विकास से भटका लेंगे, भ्रष्टाचार से भटका लेंगे। कई बार जातिवाद तनाव, कई बार जातिवाद तनाव टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देती है। कई बार देखा गया है कि जातिवाद तनाव को भी राजनीतिक पार्टी आग सुनगाती है कि भैया लड़ो, टकराव भी करवाती है, हिंसा को भी बढ़ावा देती है, लेकिन फिर भी लोग आदत से मजबूर फिर भी उसी पार्टी का पकड़ के रखेंगे पोंछ के, हाँ नहीं जाने देंगे तुमको, तुम कुछ भी कर लो। तो चलिए यहाँ पर खत्म होगा प्रश्न अभ्यास, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक। देखिए यहाँ पे जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। इसके बारे में आपको विचार करना है कि कैसे क्या होता था, स्त्रियों को कैसे प्रोत्साहन दिया गया, स्त्रियों को कैसे मौका दिया गया, इसके बारे में। दो नंबर, विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का वगैरह दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तीन नंबर, बताएं कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। चार नंबर, दो कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय होते हैं, तय हो सकते हैं। पांच नंबर, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अभी भारत के विधायिका में ले लो तो कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व है औरतों का। छह नंबर, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। दो प्रावधान बताना है इसमें। सात नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कौन नंबर, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर करना, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असामान्य भूमिका कि लड़की हो घर में रहो, मर्द हो घर के बड़ी काम करो, ऐसे। तो इस सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना है आपको, ठीक है। गौ नंबर, बालक और बालिका की संख्या का अनुपात, कहीं कहीं जगह तो 1000 लड़के पर 850 लड़कियां ही पैदा होती है, 800 लड़कियां ही पैदा होती हैं। घ नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। आठ नंबर, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, लोकसभा में कितना आरक्षण, अभी 33% है, विधानसभा में 33%, मंत्रिमंडल में 33%, सब जगह 33% हो गया है। पंचायती राज की संस्थाएं क्या हो सकती है, और मंत्रिमंडल में भी अब औरतों को लाया जा रहा है, पंचायती राज में महिलाओं की क्या समस्या है, कितना ज्यादा पहुंच पाई है, इसके बारे में। नौ नंबर, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि क्या है, इसके बारे में। दस नंबर, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, केवल कथन इसमें से गलत बताना है बस, बाकी कुछ नहीं। 11, 12, 13, 14 कुछ नहीं करने का, यहाँ पर आपका ये बुक खत्म होता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे आप सोचो, अगला हमारा 5 नंबर पाठ है, तो 5 नंबर पाठ में हम पढ़ेंगे जनसंघर्ष और आंदोलन, जिसमें मालूम चलेगा जनसंघर्ष के लिए क्या क्या हुआ, उनके लिए आंदोलन हुआ तो क्या क्या फायदाएं थी, क्या क्या बेनिफिट मिला, क्या क्या हमें लाभ मिला उसका। तो चलिए इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में, अगले अध्याय में मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट, दिक्कत, सलाह मशवरा देना है तो आप कमेंट करके भी दे सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट जाओ, कहाँ जाना है, आप डायरेक्ट जाओ किस में, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है indrajitstudypoint@gmail.com, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको नंबर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।